अंतिम समय में इसरो ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर इसरो एक ऐसा सेंसर ऑन कर सकता है जिसे चंद्रयान 3 शॉर्टकट तरीके से सब पहले चंद्रमा पर लैंड कर जाएगा। दोस्तों, आपको प्लान ए से काम नहीं चलेगा, अब इसरो को प्लान बी एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। अगर हम चंद्रमा और धरती के चक्कर काटते रह जाएंगे तो फिर यह रेस हम कभी नहीं जीत पाएंगे। जनता की तरफ से यह उठ रही है कि अब इसरो को शॉर्टकट तरीका अपनाने की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए इसरो को तुरंत कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, रूस के चंद्रयान में बेहद हाई पावर के रॉकेट लगे हुए हैं जो उसे सीधे चांद तक ले गए, लेकिन कम बजट के कारण हमारा चंद्रयान चक्कर काटता रह गया। लेकिन दोस्तों, अभी भी भारत के पास बहुत बड़ा मौका है। लूना 25 को हराने के लिए इसरो को बहुत बड़ा खेल दिखाना होगा, नहीं तो हमारे 1500 करोड़ रुपए बर्बाद हो सकते हैं। 600 करोड़ चंद्रयान 2 के समय और 900 करोड़ चंद्रयान 3 के समय भारत सरकार और इसरो ने मिलकर इतने पैसे खर्च कर दिए, लेकिन अगर हमें पहली सफलता नहीं मिलती है तो भारत निराश हो सकता है। इसी वजह से अब अंतिम समय में एक आखिरी छक्का मारना ही होगा जिससे हमारा चंद्रयान सबसे पहले चांद पर पहुंच जाए। अब केवल रूस ही नहीं, चीन और अमेरिका ने भी शुरू किया भारत के चंद्रयान का पीछा। 50 सालों से सोई हुई दुनिया को अचानक चंद्रयान ने जगा दिया। दुनिया के बड़े बड़े देश अब चांद की तरफ ऐसे दौड़ लगा रहे हैं जैसे कि मानो वहां कोई बहुत बड़ा खजाने का भंडार मिल गया। अभी तक कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई थी दुनिया, लेकिन अब दुनिया की महाशक्तियां भारत को हराने के लिए व्याकुल हो उठी हैं। दोस्तों, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अचानक महायुद्ध शुरू हो गया है। इस रणभूमि में केवल रूस और भारत ही नहीं बल्कि अब चीन और अमेरिका भी निकल पड़े। चांद की धरती पर होने जा रही है इतिहास की सबसे बड़ी भीषण टक्कर। जब चांद पर पहुंचेंगे रूस, भारत, चीन और अमेरिका, तब मचेगा महादंगल। दोस्तों, चांद पर पहुंचने की मुहिम एक बार भारत ने क्या छेड़ दी, अब दुनिया के सारे महाशक्तिशाली देश एक-एक जाग उठे। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त चांद के महाकुंभ की तरफ मुड़ गई। बताते चले कि अमेरिका और रूस दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट रनवे पर निकल चुके हैं। हालांकि इतना शक्तिशाली रॉकेट भारत के पास मौजूद नहीं है, लेकिन भारत अब तक इस रेस में सबसे आगे निकल चुका है। भारत के पीछे जिस देश का चंद्रयान आंधी तूफान की स्पीड पकड़ रहा है उसका नाम रूस है। अभी तक चीन और अमेरिका ने अपने अपने चंद्रयान इस रेस में नहीं छोड़े, लेकिन तैयारी शुरू हो चुकी है। जैसे रूस ने एकाएक अपना चंद्रयान मिशन चांद पर कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है, ठीक उसी प्रकार अगले कुछ समय में ही अमेरिका और चीन भी अपने अपने मिशन चांद की तरफ भेज सकते हैं। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी जीत किसकी होती है। दोस्तों, अमेरिका के पास तो चांद पर लैंडिंग करने की कई सारी एक्सपीरियंस मौजूद है, लेकिन भारत और चीन अभी काफी कुछ सीख रहे हैं। रूस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचकर इतिहास रचना चाहता है। रूस के इस अभियान की ओर चीन और अमेरिका के मून मिशन से भी, क्योंकि किसी भी वक्त अमेरिका और चीन भी इस होड़ में कूद सकते हैं। कोई ठीक नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर अमेरिका अचानक इस महाकुंभ में कूदकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग सबसे पहले कर देता है तो अमेरिकी जनता में खुशियों की लहर दौड़ उठेगी। शायद जो बिडेन एक बार फिर से राष्ट्रपति भी बन जाएंगे। अमेरिका और चीन ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने के लिए एडवांस मिशन शुरू किया है और इस मिशन में दोनों देश बेहद तेजी से काम कर रहे हैं। अमेरिकी नासा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले मनुष्य भेजकर इतिहास रचना चाहता है, क्योंकि अगर रूस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहले पहुंच जाएगा तो फिर अमेरिका को भी तुरंत कुछ करना होगा। अगर अमेरिका तुरंत एक्शन नहीं लेगा तो रूस स्पेस की दुनिया में नासा से काफी आगे निकल चुका होगा। आपको बता दें कि रूसी नागरिकों में भी अपने चंद्रयान मिशन को लेकर काफी हसरतें उड़ रही। लूना 25 इसमें रोवर और लैंडर है। इसके लैंडर का वजन 800 किलो है। लूना 25 पहले सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करेगा और फिर चांद पर चहलकदमी करना शुरू कर देगा। इसके बाद ये चांद की मिट्टी के नमूने लेने और उनका विश्लेषण करने का काम करेगा, साथ ही वो लंबे समय तक चलने वाली रिसर्च भी करेगा।
लूना 25 का आकार छोटी कार के बराबर है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ये एक साल तक काम करेगा, जबकि भारत का चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों तक ही चांद पर रिसर्च कर सकेगा। हाल के कुछ वर्षों में नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों ने बर्फ होने के निशान पाए। इसी खबर के मिलने के बाद पूरी दुनिया में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की होड़ मच गई। अमेरिका किसी भी वक्त इस मिशन में कूद कर रूस को सरप्राइज दे सकता है। जैसे अमेरिका ने बिना किसी को बताए वह चुपचाप अचानक चांद पर पहला मनुष्य नील आर्मस्ट्रांग को उतार दिया था, ठीक उसी प्रकार वह इस बार भी कुछ बड़ा कर सकता है। रूस के मून मिशन के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। रूस ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाकर उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने में नाकाम रहे। रूस पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है कि वह स्पेस की दुनिया में भी पश्चिमी देशों पर निर्भर नहीं। रूस पिछले कुछ दशकों से इसकी तैयारी कर रहा था। अगर उसका मून मिशन सफल रहता है तो यह उसकी एक बड़ी उपलब्धि होगी। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों की स्पेस एजेंसियों से रूस की एजेंसियों का आपसी सहयोग खत्म हो चुका है। हालांकि इमरजेंसी कंडीशन में जरूरत पड़ने पर सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लूना 25 में अपना पायलट डी नेविगेशन कैमरा जोड़कर इसका टेस्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इसने ये योजना छोड़ दी थी। आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले शख्स थे। रूस का लूना 2 मिशन 1959 में चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। 1966 में लूना 9 मिशन चांद पर रूस का पहला सॉफ्ट लैंडिंग मिशन था। रूस का स्मोस ने बताया है कि मिशन का मकसद सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी विकसित करना है, साथ ही चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर शोध करना और पानी समेत दूसरी जरूरी चीजों की खोज करना भी इसका मकसद है। रूस के स्पेस चीफ ने बताया कि लूना 25 इसी महीने 21 अगस्त को चांद की सतह को छू सकता है। लूना 25 मिशन 11 अगस्त शुक्रवार को सुबह 4 बजे लॉन्च किया गया है। पहले इसके 23 अगस्त के चांद की सतह को छूने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसके 21 अगस्त को वहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जबकि चंद्रमा की सतह छूने के लिए निकला चंद्रयान 3 बीते महीने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतर सकता है। चंद्रयान 3 मिशन रूसी लूना 25 मिशन के बाद में चंद्रमा की सतह पर पहुंच सकता है। इसकी वजह यह है कि चंद्रयान 3 लूना 25 मिशन की तुलना में लंबा रास्ते से सफर कर रहा है। दरअसल चंद्रयान 3 अपने सफर के जरिए पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लाभ लेना चाहता है। उसे काफी कम ईंधन पर सफर करेगा। एक विशेषज्ञ ने कहा है कि यह रॉकेट के ताकतवर होने का मामला है। रूसी रॉकेट ज्यादा बड़ा है, हमारा रॉकेट छोटा है, लिहाजा हमारा रॉकेट चंद्रयान 3 को इतना वेग वेलोसिटी नहीं दे सकता है कि ये ज्यादा रफ्तार से चांद की ओर जा सके। उन्होंने कहा है कि चूंकि ताकतवर और बड़ा रॉकेट ज्यादा खर्चीला है, इसलिए भारत ने छोटे रॉकेट के जरिए अपना मकसद साधने का प्लान बनाया। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने मौका नहीं गंवाया। इसने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने मिशन को लॉन्च कर दिखाया। यह भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि है। 1976 में लॉन्च किया गया लूना 24 चांद के करीब 170 ग्राम मिट्टी लेकर सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौटा था। अंतरिक्ष विज्ञानी व्लादिमीर साल्जिन का कहना है कि लूना 25 मिशन की सफलता की संभावना 50%। अगर रूस का लूना 25 मिशन फेल होता है तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इतिहास रच देगा।